कुछ ब्लॉग हम लोग दिखाएंगे और हमारा जो ये जर्नी है कहाँ पे हम लोग ठहरे हैं, कहाँ पे रहना है, कहाँ पे खाना है, सब कुछ हमारे वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखते रहिए बॉम्ब ग्लोब टोटल ब्लॉग्स, आपके साथ भी और आपके लिए। तो थोड़ा सा इवनिंग के टाइम में हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हरिद्वार और अभी थोड़ा सा ये हर की पौड़ी के आसपास ही हम लोग अपना होटल लिए है, होटल न्यू आदित्य। मैं सुबह दिखाऊंगा, नाइट को भी मैं दिखा सकता हूँ एक बार। तो हम लोग जो होटल लिए, होटल आदित्य और न्यू आदित्य दोनों एक साथ अटैच है। फैमिली लेके बजट रूम के हिसाब से बहुत बढ़िया, मैं बजट अमाउंट सब बताऊँगा बाद में आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको खाने के लिए बहुत सारे होटल भी मिल जाएगा, जैसे आपको बंगाली होटल है, यहाँ पे दादा बोधी होटल है और आगे एक मासीर होटल बोल के भी है, मैं दिखाऊंगा। तो हम लोग चाय पीने के लिए निकले हुए, देखिए यहाँ पे और एक बंगाली होटल है, मासीर होटल। यहाँ पे हम लोग खाएंगे, जब खाएंगे तब दिखाएंगे। फिलहाल अभी हमें चाय पीना है। और ये भैया है, इनसे बात हुआ है मासीर होटल में खाने के लिए। हम लोग कुछ देर बाद आके यहाँ पे डिनर करेंगे। कितने बजे तक खुला रहता है भाई? 10 बजे तक। 10 बजे तक। 10টা বন্ধ পুরো খোলা। 10টা সব এখন তো চালু আছে, 10টা অবধি খোলা থাকে। আর এমনি মানে ধরো কাছাকাছি হোটেল থাকলে ডেলিভারি হয়ে যায়, ফোন করলে? হ্যাঁ ডেলিভারি হয়ে যায়।
तो इधर है हरकीपुरी घाट के सामने वासी होटल, सारे बंगाली लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग खा सकते हो। और हम लोग जब आएंगे यहाँ पे कुछ देर बाद, फिर यहाँ पे होटल में अपना डिनर भी आपको दिखाएंगे, तो देखते रहिए हमारे साथ। और ये भाई के दुकान में भी चाय पीना है, गंगा टी स्टॉल। तो भाई चाय बना दो तीन। कौन सा ज़्यादा कुल्हड़ वाला, कैसा कुल्हड़ वाला दे दो तीन। गूगल पे हो जाएगा ना आपका? हाँ सर, ठीक है। वैसे मॉर्निंग में सुबह खुल जाता है 5 बजे। ये मार्केट बंद ही हो रहा है ना धीरे धीरे। मीठा कैसा भैया? तो हम लोग चाय पीने आए थे, हमारे पीछे पीछे ये लोग भी आ गए हैं चाय पीने के लिए। इलायची चाय पीना है इनको, इनका मुँह देखो। और ये पीछे मासी होटल, मासी होटल में हम लोग कुछ देर बाद डिनर करेंगे, तो अभी चाय पीते हैं हम लोग। तो मैं सिगरेट पीने आ गया था थोड़ा, अब फिर जा रहा हूँ चाय के दुकान के तरफ। अपना चाय बन चुका है ऑलरेडी, तो बढ़िया ब्लॉग दिखाएंगे आपको हरिद्वार वाला अपने स्टाइल में। तो देखते रहो हमारे साथ ग्लोबट्रॉटर ब्लॉग्स, आपके साथ भी आपके लिए भी। आज अभी हमारे हरिद्वार वाले ब्लॉग का स्टार्टिंग है। तो चाय बन गया भाई जी? दादा आप ही चला गया था, चाय तो बन गया। तो भाई नाराज़ हो गए हमसे? अरे नहीं दादा, मीठा आपका मैं कैसा? मेरा नॉर्मल मीठा दे दीजिए, बाकी सबको फीका दिया है मैंने। हाँ ठीक है, सब फीके ही पड़ गया मीठा ना खा के। तो भाई के चाय ऑलरेडी ले लिए हम, देखिए कुल्हड़ वाली चाय। और वाह वाह उस्ताद चाय बोलिए, बहुत बढ़िया स्वाद है चाय का टेस्ट। तो ज़रूर भाई के टी स्टॉल में चाय पीजिए, गंगा टी स्टॉल अपोजिट ऑफ मासी होटल एंड आदित्य हाउस बोल है ना। कैसा लगा चाय? बढ़िया। हाँ बढ़िया बढ़िया। चलो तो हमारे लोग ऑलरेडी चाय पी के निकल लिए, अपना पैसा दे दिया, हमारा पैसा नहीं दिया, हम अभी अपना पैसा खुद चुकाएंगे, ठीक है भाई? आपका नाम नहीं बताया आप? धीरज कुमार। धीरज कुमार, ठीक है। तो गंगा टी स्टॉल भाई का है, भाई का नाम धीरज कुमार है। गोलागिरी रोड विष्णु घाट हरिद्वार आदित्य हाउस। अब शुरुआत है, कल फिर चाय पियेंगे सुबह शाम। 3 दिन हुआ अभी। चाय कैसा लगा सर? बढ़िया। तो ऑलरेडी हम लोग चाय पी लिए हैं, और भाई चाय पिलाने के बाद अभी हमारे ही YouTube चैनल देख रहा है जी, जी, जी। उसको सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी। तो अभी भाई का वीडियो स्टार्टिंग है, अभी तो हम लोग 3 दिन है भाई के दुकान में, दिन में 2 टाइम करके आएंगे। आपको कुछ बताना है? सब कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए बस बस। इनके दुकान में ज़रूर आइए, चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं। और आगे जाके फिर और भी इंफॉर्मेशन देंगे हम। चलिए अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे है, दादा उल्टी दाड़ी आज और एखे हमारा मासी होटेले खबर खाव। तो आगे एक दादा बौदी होटेल आदाबौदी होटेले आज थे 10 बजे आगे खेल क्योंकि मासी होटेलटा खाई कखो तई मासी होटेलटा खाव और शुने मासी होटेल खबर खूब भलो फर बेंगलिज मासी होटेल खबर खूब भलो। तो ठीक है, तेल आज के मासी होटेल डिनार हमें एक्सप्लोर करब, तो देखते रहिए हमारे साथ। আর কিছু বললে বলতে পারো ভিউয়ারদের জন্য? হ্যাঁ ঠিক আছে। কতদিনের পুরনো হোটেল এটা? আমার আছে 1939 সাল থেকে, 40 সাল থেকে। 1940 থেকে হোটেল? 40 থেকে। ওহো হ্যাঁ, এটা পুরো নামকরা হোটেল আছে, খাবার ও স্বাদিষ্ট খাবার পাওয়া যায়। থাকার ব্যবস্থা আছে কি? থাকা আমাদের হোটেল প্রতাপ, হোটেল নিউ প্রতাপ হোটেল আছে। হোটেল নিউ প্রতাপ বলে থাকার ব্যবস্থা আছে। নাম্বার এই নাম্বার আছে? হ্যাঁ। যদি মাসির হোটেল আপনারা খাবার খেতে চান অথবা এনাদের নিউ প্রতাপ হোটেল যেটা রেসিডেন্স মানে থাকার জন্য, তো এই নাম্বারে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে আপনারা বুকিং করতে পারেন। আর দাদা আপনার নাম? ইন্দ্রজিৎ দাস। ইন্দ্রজিৎ দাস, বাহ। তো ঠিক আছে, আমরা এখানে ডিনার করি, ডিনার করে তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি। হ্যাঁ বসুন। ভাই আপ কিতনা দের তক খোলা হ্যায় আপকা? 10 बजे तक स्टम बढ़ाने का तैयारी हो रहा है। 10 बजे तक? तो हम लोग खाना खा के आके ले जाए? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से मैं ये हटा दूंगा, आप इधर से आवाज दे देना मेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। इधर का ओके बढ़ा। तो मासीर होटल में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और मासीर होटल में हम लोग
अभी खाना खाएंगे তো যদি এখানে তো দেখো খাবার খেতে আসছে যারা ভিতর ঘুরতে আসছে আর কি পরিতে এই লোকেশনটা কি করে পাবে একটু বলে দিন বিষ্ণুঘাট ভোলাগিরি রোড বিষ্ণুঘাট ভোলাগিরি রোড হ্যাঁ এই সামনে আমাদের বিষ্ণুঘাট আছে হুম এই লোকেশন হচ্ছে এটা ভোলাগিরি রোড ওকে যদি ভোলাগিরি আশ্রম থাকে ওখান থেকে মাছ হোটেলে খেতে আসবে বাহ আর নিউ আদিত্য সামনে আছে আমরা আদিত্য নিউ আদিত্য হোটেলে উঠেছি আচ্ছা এই সামনে আদিত্য হোটেল আমার হোটেলটা আছে বিষ্ণুঘাটে সবজি মন্ডিতে আচ্ছা হ্যাঁ নিউ হোটেল নিউ পাতা জানা ছিল না আমরা তো আমি দিল্লিতে থাকি আচ্ছা আমি সূত্র আমি আমার ঘর দিল্লিতে থাকি তো আমরা আসতেই থাকি तो देखिए मासी होटल हरिद्वार में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग आज खाना खाएंगे। दिस इज द नियमावली। नियमावली एक बार आप लोग देख लो और मेरे वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लो, ठीक है? तो चलो अब डिनर दिखाते हैं आप लोगों को। ये सब हाथ में सैनिटाइजर लगाने में बिजी है। हैं? की बोलो? क्या बोलते हो? ये तो खाओ एक दादा ये मासीर होटल। मासीर होटल ले खाबे? ना ना मार्क्स लुबो ले खाबो। बोलो कीजिए। मार्क्स खुल के खाना है। मार्क्स खुल के खाना है। बढ़िया है, बढ़िया। उनको कुछ बोलना हिंदी में? बताओ, बताओ। पहले खाना खा लो, बाद में बताऊंगी कैसे। अच्छा, थैंक यू। আজকে খাওয়া হয়ে গেছে মাছির হোটেলে ডিনার। কিন্তু এখনো তিন দিন আছি। এবারে খাবার মেনুগুলো দেখাবো আপনাদের। আর আজকে আমরা জাস্ট একটু আগে আসলাম। এই দিদি মানে যে দিদি মানে হোটেল মানে হোটেলের মালিক মালিক যিনি আর ওই দাদা ইন্দ্রজিৎদা আগে কথা হয়েছে যার সাথে। তারপর তো আমরা আজকে এখানে আমার ঠিক আছে ডিনার করে যাচ্ছি। হ্যাঁ খাবার ভালো আছে, ঠিক আছে। তো আজকে ডিনারটা ভালো গেলো, তো আমরা কাল পরশু আবার আসবো, এসে নতুন ভিডিও আবার দেখাবো মানে লাঞ্চের ডিনারের। সব লোক দেখতে রইয়ে বড়িয়া होटल है मासी होटल और एज ए बंगाली आप लोग यहाँ पे खाना खा सकते हो। तो फिर हम लोग जा रहे हैं हमारे जो स्टेइंग होटल है उसके तरफ, होटल आदित्य न्यू आदित्य। एंड फिर वहाँ पे जाके आज तो नाइट में रेस्ट ही करना है। ये हमारे होटल का एंट्रेंस है यहाँ पे, लेकिन दो होटल है कनेक्टेड। ये भैया है नहीं वादित, तो भैया के पास ही हम बुकिंग किए हैं। अभी फिर रात हो गए, कल सुबह आएंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। तो अभी ये होटल दो होटल कनेक्टेड है, आदित्य न्यू आदित्य। हम लोग जो न्यू आदित्य उसमें ठहरे हैं जिसमें लिफ्ट सिस्टम है। और अगर कोई सीनियर सिटीजन आ रहा है तो लिफ्ट सिस्टम आप यूज कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये तो हमारे रूम की तरफ जा रहे हैं और ये नीचे की तरफ इसका रिसेप्शन है। ये रिसेप्शन एरिया है न्यू आदित्य का। तो मार्केट एरिया से वो बैक साइड से मैं एंट्री किया था, तो वहाँ पर वहाँ का जो एंट्रेंस था वो था। एंड दिस इज द रिसेप्शन एरिया ऑफ न्यू आदित्य, राइट भैया? न्यू आदित्य है ना? तो न्यू आदित्य होटल जहाँ पे हम ठहरे हैं हरिद्वार में। तो यहाँ का मैं कॉन्टैक्ट डिटेल बाद में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग ठहर सकते हो और इसके आसपास ये विष्णुघाट एरिया है। तो विष्णुघाट एरिया में न्यू आदित्य बहुत एक पॉपुलर होटल है स्टेइंग के लिए। और इनके आगे भी एक होटल है आदित्य, इनका ही है दोनों। तो न्यू आदित्य जो है ये थोड़ा सा अपग्रेडेड है, इनमें लिफ्ट लगा हुआ है, रूम्स भी थोड़ा अपग्रेडेड है। एंड ये सबसे बढ़िया जो है इसमें लिफ्ट के साथ साथ आप अगर पीछे के गेट से बाहर जाते हो तो आपको यहाँ पे जो रिवर साइड का नज़ारा है वो मिलेगा, क्योंकि ये रिवर साइड में ही है। इससे जैसे हम बाहर निकलते हैं बाहर ही गंगा रिवर है, मतलब पूरा घाट बना हुआ है, मतलब यू कैन एंजॉय द गंगा घाट। इनके पीछे गेट वाले इनके पूरा एरिया ये लिया हुआ है। ये होटल का देखिए एरिया है, यहाँ से मैं निकला हूँ। एंड दिस इज द न्यू आदित्य होटल। यहाँ पे हम लोग ठहरे हैं सेकेंड फ्लोर में और इस होटल पूरे घाट के ऊपर ही बना हुआ है। इनका सेपरेट घाट है ये,
यहाँ पे यू कैन एंजॉय, यू कैन सीट हियर, नो वन विल डिस्टर्ब यू, और यहाँ पे आप गंगा जी का भी नज़ारा देख सकते हो बैठ के। अभी तो रात हो गया है, सुबह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और गंगा जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख पा रहे हो पसंदीदा खड़े है। हाय। और ये जो गंगा है, ये गंगा का जो घाट है, ये इसको बोलते हैं विष्णु घाट। तो ये बहुत ज़्यादा डेप्थ है इसमें, इसमें भी नहाते हैं। देखिए नीचे यहाँ पे सब चेन लगा हुआ है, मैं सुबह और भी अच्छी तरह दिखाऊंगा। यहाँ पे चेन लगा हुआ है और ये चेन पकड़ के नहाना पड़ता है, नहीं तो गंगा आपको बहा के लेके चला जाएगा। ये बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो हरिद्वार में ही गंगा मैया का पूजा दिया जाता है, और गंगा मैया का ही मंदिर है यहाँ पे, जो मैं सुबह आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ का लोकल ब्लॉग्स। तो रात का नज़ारा एंजॉय करने के लिए हम लोग थोड़ा निकले हैं। ये हमारे होटल ग्राउंड में ही ये गंगा का पोर्शन कुछ लेके रखा हुआ है, और यहाँ पे लोग थोड़ा सा बाहर निकलते हैं यहाँ का वेदर को एंजॉय करने के लिए। तो आज के लिए गुड नाइट यहाँ पे ही, तो फिर सुबह आएंगे लोकेशंस और कुछ नए आइडियाज को शेयर करने आपके साथ। तो कैसा लगा हमारा ये होटल ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और हरिद्वार का ब्लॉग तो आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग आगे जाके और भी हरिद्वार के लोकेशन एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। अभी रूम पे जाना है, और रूम पे जाके फिर हमें आज का नींद पूरा करना है, क्योंकि आज हम लोग ट्रैवल करके आए हैं दिल्ली देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस में, और अभी थके हुए हैं, और आज रेस्ट करके कल सुबह हम लोग निकलेंगे अपने साइट सीन और ब्लॉग्स बनाने के लिए। तो देखते रहिए हमारे साथ वन ब्लॉग ब्लॉग्स।